खमा गणिसा, मैं नीतू सिंह चौहान और स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल माँ का मेन्यू में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, और थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, थोड़े से अखरोट और किसा हुआ सूखा हुआ नारियल। अगर आपके पास सूखा हुआ नारियल नहीं है तो आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। और मैंने थोड़े से खरबूजे के बीज लिए हैं, और थोड़े से पिस्ता कतरन, और मैंने थोड़ी सी सूखी हुई अदरक ली है। इसे मैं पीस कर पाउडर बना लूँगी, और थोड़ा सा हम लड्डू के अंदर काम में लेंगे। और मैंने थोड़ा सा गोंद लिया है, इसे भी मैं पीस लूँगी। अगर आपके पास बारीक वाला गोंद है तो आप वो भी ले सकते हैं। और मैंने जितना गेहूं का आटा और ड्राई फ्रूट लिए हैं उसी की बराबर मात्रा में मैंने चीनी ले ली है। आपके पास अगर पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप साबुत चीनी को पीस कर काम में ले सकते हैं। अभी हम कढ़ाई में एक चम्मच देसी घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, अभी हम इसमें बादाम डालेंगे। बादाम को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम इस वक्त एकदम लो कर देंगे। इसी के साथ हम अखरोट भी डाल देंगे और काजू। ड्राई फ्रूट को अगर आप थोड़ा सा फ्राई करके डालेंगे तो इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 2 से 3 मिनट के लिए हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे। अभी इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगी है। अभी हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा है, इसी के अंदर हम कसा हुआ नारियल डालेंगे, खरबूजे के बीज डालेंगे, पिस्ता कतरन। इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। जब तक हमारे ड्राई फ्रूट ठंडे हो रहे हैं तब तक हम सूखी हुई अदरक को पीस लेते हैं। पीस कर हम इसे छान भी लेंगे। अब हम गोंद को भी एकदम बारीक पीस लेंगे। गोंद को हमने अच्छे से पीस लिया है, और हमने काजू, अखरोट और बादाम को तल के रखा था, उन्हें भी हम अच्छे से पीस लेंगे। आप चाहे तो इन्हें कूट भी सकते हैं। अभी हम कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे, आटा डालेंगे, फ्लेम को इस वक्त मीडियम कर देंगे। अभी इसमें हमें घी थोड़ा कम लग रहा है, हम इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे। ये लड्डू हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आगे बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, इसके लिए ये लड्डू बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं तो ये सही तरीका है बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाने का।
और ये लड्डू बड़े भी खा सकते हैं। अभी हम इसमें आधा चम्मच घी और डालेंगे, क्योंकि लड्डू में जो बाइंडिंग आएगी वो घी की वजह से ही आएगी। अभी आप देखेंगे कि आटा अच्छे से सिक गया है और आटे में सुनहरा रंग भी आ गया है। तो अभी हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और हमने जो गोंद लिया है उसके हम फुल्ले बना लेंगे, क्योंकि आटा अभी गर्म है। थोड़ा थोड़ा करकर गोंद डालेंगे। कुछ लोग गोंद को घी में भी फ्राई करके उसके फुल्ले बनाते हैं। इस तरीके से अगर आप गोंद के फुल्ले बनाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है, वरना अगर आप घी में गोंद के फुल्ले बनाते हैं तो गोंद जल जाता है। अभी हम इसे अलग बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। अभी हमने भुने हुए आटे को बड़े बाउल में निकाल लिया है। अब हम उसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, जो हमने काजू, बादाम और अखरोट को पीस के रखा था, और सूखा हुआ नारियल जो हमने किसके फ्राई किया था, खरबूजे के बीज और पिस्ता कतरन, इन्हें भी हम मिक्स कर देंगे, और एक चम्मच अदरक का पाउडर जो हमने पीस के रखा था, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आटा गर्म है तो हम इसमें अभी चीनी नहीं मिलाएंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब तक हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब तक हमारा लड्डू का मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम चीनी को छान लेते हैं। अभी सभी चीज़ें ठंडी हो गई है, अभी हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। ये लड्डू एनर्जी से भरपूर है, आप बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन आता है उसे आप ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी का निशान नहीं दबाएंगे तो मैं जब भी रेसिपी अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन आता है उसे ज़रूर क्लिक करें। और ये लड्डू अगर आप बनाते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।